दोस्तों, मेहनत करके पैसा कमाने का जो मेथड है वो आज से तकरीबन 100 नहीं हज़ारों सालों से चलते हुए आ रहा है। और अगर मैं बात करूं तो 95% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो कि इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, वो सुबह 9 बजे काम पे जाते हैं, शाम 5 बजे तक काम करते हैं, पूरी जी तोड़ मेहनत करते हैं ऑफिस के अंदर, उसके बदले में उन्हें एक सैलरी मिलती है जो कि उनके खर्चे चलाने के लिए पूरे महीने भर के लिए काफ़ी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आज जैसा कि इस वीडियो का टाइटल आपने देखा, इस वीडियो का थंबनेल देखा कि आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि आपको पैसे कमा करके दे सकता है, वो भी आपके खुद के पैसे की मदद से। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे ऐसे ही कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अगर आपको पता चल जाए तो आप भी बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सबसे पहले मेथड की अगर मैं बात करूं तो वह आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के अंदर अगर मैं बात करता हूं 90% से भी ज़्यादा ऐसी पॉपुलेशन है जो कि फिक्स डिपॉजिट पर पूरी तरीके से रिलाई करती है। और फिक्स डिपॉजिट आपकी फिक्स इनकम होती है जहाँ पर आपको पता है कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने परसेंट का मिलेगा, मेरी टाइम ड्यूरेशन ये है, और लिक्विडिटी के तौर पर जब कभी भी आपको ज़रूरत होती है उस समय पे आप फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक कर सकते हैं और अपना पैसा निकाल सकते हैं। वहीं पे अगर बात करें जो दूसरा ऑप्शन आपके सामने निकल के आता है वो है गोल्ड का। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं 2007 की बात करूँ, 2008 की बात करूँ तो उस समय पे गोल्ड की जो प्राइस थी तकरीबन 18,000 रुपये थी, और आज के समय पे अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड की जो प्राइस हो गई है तकरीबन 45,000 से 50,000 रुपये हो जाती है अगर मेकिंग चार्जेस को इन्वॉल्व कर दिया जाए। तो दोस्तों आप खुद सोचिए कि अगर आपने 2007 या 2008 में अगर गोल्ड में अगर 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया होता तो इस समय जो गोल्ड की वैल्यू हो चुकी होती वो कितनी हो चुकी होती, इस चीज़ को आप कॉमन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो गोल्ड में जब इन्वेस्ट करते हैं आप, तो अभी भी अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली होने वाले 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर जब कभी भी आप गोल्ड देखेंगे तो गोल्ड का प्राइस 45 से 50,000 रुपये के आसपास नहीं मिलेगा। हो सकता है कि गोल्ड का प्राइस इससे ऊपर ही आपको देखने को मिले, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है आपके पैसे को काम पर लगाने के लिए। अब सपोज कीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपके पास 1,00,000 हो सकता है, आपके पास 2,00,000 हो सकता है। अब आप या तो इसको गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए या इसी वीडियो में बताए गए दूसरे ऑप्शंस के अंदर भी आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपका पैसा आपकी तरह काम करेगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में जो कि हमेशा से एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है जो कि है रियल इस्टेट। जी हाँ दोस्तों, रियल इस्टेट के बारे में बात करूं, अब रियल इस्टेट के बारे में आपके मन में एक सवाल होगा कि रियल इस्टेट के अंदर मुझे ज़्यादा प्रिंसिपल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पैसे मुझे चाहिए होते हैं। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर आप रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है कि अगर आप रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास 25,00,000 रुपये, 50,00,000 रुपये के आसपास पड़ा है या उससे कम या उससे भी ज़्यादा पैसा पड़ा है तो डेफिनेटली ये एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है आपके लिए यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पे। अब एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाऊँ तो देखिए, आज से दो साल तीन साल पहले भी अगर आपके आस पड़ोस में रिलेटिव ने या आपने ही कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, उस समय उस प्रॉपर्टी की कीमत तकरीबन 10,00,000 रुपये थी। आज की डेट में अगर आप मार्केट वैल्यू अगर उस प्रॉपर्टी की देखेंगे तो तकरीबन 15 से 17 या 18 लाख रुपए तक भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है, जो कि एक अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की ओर इशारा करता है। चौथे ऑप्शन के बारे में अगर मैं बात करता हूं वो है स्टॉक मार्केट। जी हां दोस्तों, स्टॉक मार्केट की बात करते के साथ ही आपके मन में एक ख्याल आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है और यहां पर रिस्क ज्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है। तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं, ये एक जुए की तरह नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपका लॉस हो सकता है कि 100% आपका लॉस ही हो जाएगा। लेकिन थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, थोड़ी सी स्टडी करने के बाद आप स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छे रिटर्न गेन कर सकते हैं। अगर किसी भी सेविंग स्कीम की बात करूँ तो मैक्सिमम रिटर्न जो आपको मिलते हैं 8.5%
के मिलते हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करता हूँ मैं, या फिर बात करता हूँ SSC के बारे में, तो यहाँ पे NPS के अंदर भी तकरीबन इतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलते हैं। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट के अंदर अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो रिटर्न हैं वो 12% से लेकर के 18% या उससे भी ज़्यादा के मिल सकते हैं, जो कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है। और यहाँ पे रिस्क जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा आपको गेन करने के प्रॉफिट मिलेंगे, यानी कि प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा हो सकता है। अगर बात करें रिस्क कम होगा तो आपको प्रॉफिट भी कम होगा। चौथे ऑप्शन के बारे में आप थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, यानी कि स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आप अपने पैसों को वहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि पांचवा पॉइंट है, वो की है म्यूचुअल फंड। अब दोस्तों, अगर आपके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट के बारे में और आप ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कर सकते शेयर मार्केट के ऊपर, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा। आप छोटी मोटी SIP करवा सकते हैं। अगर आप SIP करवाते हैं तो 500 रुपये से कम SIP करवा सकते हैं। 3 साल के लिए कम से कम म्यूचुअल फंड में आप पैसा यहाँ पे रखेंगे और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। अगर 500 रुपये के साथ भी जाते हो तो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकती है। फ्यूचर के अंदर अगर आप 1000 रुपये महीने का भी जमा कराएंगे तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे आने वाले 15 सालों के अंदर। हो सकता है कि 20 साल भी आप इसको एक्सटेंड कर दें, और रिटर्न देखते हुए मैं डैम श्योर हूँ कि आप इसको 25 साल या 30 साल या 35 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे के सारे जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पे आप सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। अगर आप सो रहे हैं, अगर आप ऑफिस नहीं गए हैं, तो भी इस जगह से पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में एक वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे हमें जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो इन्हीं 5ों की डिटेल समरी के ऊपर मैं बना दूंगा, जिसके अंदर आपको सबके फायदे बताऊंगा और इन सभी में से कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबसे बेटर होता है लो रिस्क के ऊपर और हाई रिस्क के ऊपर, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे अगली वीडियो में, अगर आप इसको करते हैं यस कमेंट बॉक्स में लिख करके। और इस वीडियो को एम रखता हूँ 100 लाइक्स का। 100 लाइक्स अगर इस वीडियो पे हो जाते हैं तो डेफिनेटली इसका पार्ट 2 मैं ज़रूर बनाऊंगा, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अगर हाँ, लेकिन इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन तो प्रेस आपको करना ही होगा। चलिए, मैं मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।